क्षेत्र में जहां ग्राम पंचायत बरूड़ ने पुनः ग्राम में दवाई का छिड़काव करवाया, वहीं ग्राम पंचायत सरपंच गीना अच्छाले ने पत्रकारों के साथ गरीब निसहाय लोगों को 30,000 रुपए की राशि से प्रतिदिन 55 लोगों को भोजन स्व सहायता समूह के माध्यम से करवाया जा रहा है। वहीं ग्राम पंचायत रोम चेचली में भी दवाइयों का छिड़काव सामाजिक कार्यकर्ता विजय सोनोरे और अनिल कुशवाहा ने किया। साथ ही कोठा खुर्द में भी ग्राम पंचायत ने बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश निषेध कर दिया है। साथ ही दाना बरूड़ के ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्य और माधव सेवा संस्थान के सदस्य ग्राम और ग्राम के आसपास के क्षेत्रों में सतत ग्रामीणों को हाथ जोड़कर निवेदन किया है कि शासन प्रशासन के कार्यों में सहयोग करें और लॉकडाउन का पालन करें। वहीं पुलिस प्रशासन के सख्त रवैये के चलते किसानों को भी अपनी उपज खेतों से लाने की काफ़ी मशक्कत करने के साथ साथ मार भी खानी पड़ रही है। क्षेत्र के पत्रकार संघ बरूड़ द्वारा शासन से मांग की गई है कि किसानों को लॉकडाउन के चलते अपनी उपज व्यवस्थित कर घर लाने ले जाने के लिए पुलिस प्रशासन सहयोग करे। बरूड़ से रामेश्वर कुमावत की रिपोर्ट। सरपंच महोदय, ये शासन ने जो आपको आदेश दिया है उस माध्यम से आप भोजन कैसे वितरण कर रहे हैं? जी भाई साहब, शासन का आदेश आया था कि गरीब जो परिवार है जो मांग के खाते उनको खाना खिलाने का है, तो समय पे हम खाना दो टाइम दे रहे हैं। एक टाइम कभी खिचड़ी दे रहे थे, कभी रोटी, और जैसे और सूचना मिलते जा रहे उसे भी दे रहे। कम से अभी हम खिला रहे 51 लोगों को खाना, और जैसे सूचना मिलती है और ये छूट गया तो उनको भी खाना मतलब समय पर उनको दिया जाएगा। सरपंच गिना छले बोलो दादी माँ, ये शासन द्वारा आपको भोजन दिया जा रहा है, समय पे मिल रहा है? हाँ भैया, आपको भोजन देने कौन आते हैं? भैया भी आवत, महिला भी आवत, सरपंच साहब द्वारा, सरपंच साहब भी देना का है। क्या क्या दिया जाता है भोजन में? रोटी, सब्जी, खिचड़ी, चावल, दाल चावल। आपका नाम क्या है? गुलाब भाई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।